स्वागत है अपने नए वीडियो में। तो आज का टॉपिक इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि आपको जानकर हैरानी होगी कि ऐसी भी कंपनियां हैं कि भारत में जो लाखों में करोड़ों में कलेक्शन करती है, छोटी छोटी चीज़ों से ही बड़ा कलेक्शन करती है। तो ऐसी कंपनी है भारत में, सबसे बड़ी कंपनी है ये, इसका नाम है ITC। इनके CEO का नाम था योगेश चंद्र देवेश्वर, जो सबसे ज्यादा समय तक कार्यरत रहने वाला पहला CEO था सभी कंपनियों में। इस कंपनी में 28,000 से भी ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं। कंपनी ने 2012 से लेकर 13 तक जो एक रिपोर्ट बनाया था, उसमें कंपनी के कर्मचारियों पे 2,140 करोड़ रुपए खर्चे थे। ये कंपनी बहुत से चीज़ें बनाती है, उसमें से सबसे प्रीमियम चीज़ जो है इनकी, जो सबसे मार्केट में सबसे ज़्यादा चलती है, उनकी तंबाकू के उत्पादन उनके सबसे ज़्यादा चलते हैं। और उस उत्पादनों में बहुत सी ऐसी सिगरेट्स आती हैं जो कि, और जब भारत गवर्नमेंट ने उस चीज़ों पे नो स्मोकिंग का टैग भी लगाया है, तो भी भारत में सबसे ज़्यादा चलने वाली कंपनी भी कह सकते हैं आप उन्हीं से। इनका हेडक्वार्टर्स कोलकाता में है, जो वेस्ट बंगाल में आता है, वहाँ इनका हेडक्वार्टर्स है। 90 देशों में इनका उत्पादनों की निर्यात होती है, पूरे 90 देशों में इनकी उत्पादनों की निर्यात होती है। और 5 खंडों में 13 व्यवसाय चलाती है ये कंपनी। ये कंपनी की शुरुआत 24 अगस्त 1910 में हुई थी। ऐसी कंपनी है मार्केट में जो कंपनी छोटी छोटी चीज़ों से बड़ा प्रॉफिट बना रही है, उसी कंपनी के बारे में आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ। उसका नाम है ITC, जिसका मतलब हुआ इंपीरियल तंबाकू कंपनी। इनकी शुरुआत 24 अगस्त 1910 में हुई थी। तब इनके CEO थे योगेश चंद्र देवेश्वर, इनके CEO थे, सबसे ज़्यादा समय तक कार्यरत रहने वाला CEO जो है वो योगेश चंद्र देवेश्वर है।